मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारे देश में एक और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा और यह होगा कोंकण एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के कोस्टल एरिया के समानांतर वेस्टर्न घाट्स में किया जाएगा। अतः यह एक्सप्रेसवे परियोजना हमारे देश का मोस्ट चैलेंजिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में कोंकण एक्सप्रेसवे के संभावित रूट अलाइनमेंट, इससे क्या लाभ होगा और इसके निर्माण में कितना खर्च किया जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, 7 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है, इसका भी निर्माण महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। और जो वर्तमान में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, इसका भी निर्माण महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया है। और इस वीडियो के बनाए जाने तक कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से। ऑफ कोर्स फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इससे भी महंगे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सकता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन अब कोंकण एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र कनेक्टिविटी के हिसाब से राज्य के दूसरे क्षेत्रों से पीछे रह गया है। अगर मेजर हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 66 एकमात्र नेशनल हाईवे है जो कि इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और नेशनल हाईवे 66 कोंकण की लाइफलाइन है। वेस्टर्न घाट्स में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में हाईवेज बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य का सबसे खूबसूरत और टूरिज्म के सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र के पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित करना। अतः इन्हीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रस्तावित किया गया। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे के अनुमानित रूट अलाइनमेंट की, तो यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई से शुरू होकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट होते हुए सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जाकर समाप्त होगी और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर होगी। वर्तमान में मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच सफर तय करने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है, परंतु कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो कि निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन बूस्ट होगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण कोंकण क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, वर्तमान में सड़क मार्ग द्वारा मुंबई से गोवा के बीच यात्रा तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में भारी बढ़ोतरी होगी। गोवा के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में यह एक्सप्रेसवे अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR को 2 सालों के अंदर तैयार किया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। DPR तैयार हो जाने के बाद 4 सालों का और समय लगेगा इस परियोजना के निर्माण कार्य में। अतः वर्तमान जानकारी के अनुसार कुल 6 सालों का समय लगेगा इस परियोजना को बनकर तैयार होने में, जो कि 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से भी इंटरचेंज द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि 400 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जबकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 701 किलोमीटर है, इसके निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो अगर आप कोंकण क्षेत्र की टोपोग्राफी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको केवल पहाड़ और नदियां ही नजर आएगी।
और ऐसी परिस्थिति में कोई भी हाईवे या एक्सप्रेसवे का निर्माण करना काफी मुश्किल भरा काम है। निश्चित तौर पे बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स का निर्माण किया जाएगा कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत। इन सभी पुलों और सुरंगों के निर्माण में एडिशनल कॉस्ट आता है, अतः इस प्रकार के जियोग्राफिकल टेरेन में कोई भी एक्सप्रेसवे का निर्माण करना काफी खर्चीला काम है। इसीलिए 70,000 करोड़ रुपए इस प्रकार के परियोजना के निर्माण में कोई अधिक राशि नहीं है। फिलहाल कोंकण एक्सप्रेसवे किन किन शहरों से होकर गुजरेगा इसकी पूरी जानकारी इसके डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इस परियोजना पर सबसे ज्यादा खतरा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का है। पर जो भी हो, यह एक्सप्रेसवे परियोजना कोंकण क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।